गोपाष्टमी के अवसर पर देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी सार्वजनिक कामधेनु गौशाला में गायत्री यज्ञ का आयोजन कर गो माताओं का विधि विधान से पूजन कर गो माताओं को मीठी दलिया का भोग भी लगाया गया। वहीं समिति द्वारा इस अवसर पर वर्ष भर गो माता के चारे के लिए दान देने वाले दानदाताओं का सम्मान भी किया गया। गौसन के विजय पाटीदार द्वारा एक वर्ष में 50,000 की राशि का चारा व उप सरपंच नारायण अग्रवाल द्वारा एक आयसर चारा एवं विजेंद्र यादव द्वारा 1.5 एकड़ जमीन लीज पर लेकर गौ माता के चरने के लिए देने व नगर सेवानिवृत्त शिक्षक कमल शर्मा द्वारा गौ माताओं के दान की वसूली निशुल्क करने पर भावार्थ श्री राम कथा वाचक मोहन भाई जी समिति के अध्यक्ष राजन सिंह मंडलोई जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार महेश दसौंधी द्वारा शाल श्रीफल व सिल्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में भाई जी ने कहा कि गौ माता सूर्य व अन्य वस्तुएं जो आसानी से मिलती हैं, लोगों द्वारा उसका सम्मान नहीं किया जाता है। गौ माताओं में 36 करोड़ देवी देवता समाहित है, इसलिए इनकी पूजा व सेवा करने वाला बड़ा भाग्यशाली होता है। संसार में कारखाने में गौ माता निजी स्वार्थ के कारण कट रही है, वह बंद होना चाहिए। सेगांव से भूपेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रणाम जोरी जुग पानी। जीव मात्र को सीताराम स्वरूप मानकर सबके पावन चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करे। संसार में आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर कामधेनु गौशाला द्वारा एक गौ माताओं के पूजन का और यज्ञ हवन कार्यक्रम रखा गया था, और दूसरा जो वर्ष भर गौ माताओं के लिए जो सेवा और समर्पण से त्याग से जो सेवा कर रहे और जिन्होंने हमारी गौशाला समिति को निःशुल्क भूसा भी दिया है और उसमें जैसे राशि भी देते हैं, ऐसे कई तरह से हमारी गौ माताओं की सेवा करते हैं, उन लोगों का भी आज हमारी गौशाला समिति द्वारा सम्मान किया गया है। इस अवसर पर हमारे सभी गौभक्त भी पधारे थे और हमारे खासतौर से संत भाई मोहन पर्दा जी का भी हम हृदय सवारी है और गौ भक्तों का भी मैं तहे दिल से। क्या नाम लिखता? मैं राजन सिंह मंडले अध्यक्ष गौशाला समिति से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।